पूजा शर्मा जिंदा है, ये कैसे हो सकता है? कबीर भैया, वो मनोहर वाली क्या मान? ब्रो, मेरी बारी है बॉस। कबीर, मुझे तुमसे बात करनी। कबीर काव्या, बस एक सेकंड यार, इस जय के बच्चे को हरा दूं, उसके बाद बात करते हैं। हरा नहीं पाओगे। वो आज फिर से अपॉइंटमेंट मिली है आरुष के स्कूल के लिए। काव्या, आई एम सो सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गए। मैं अभी तैयार होके आता हूँ। पीर, आपकी रानी है, उसे तो निकालो। ये स्कूल वैसे ही मुझे पसंद नहीं। कितना पका होता है स्कूल। ओहो, बेटा हम तो समझ जाएं, लेकिन पहले अपनी मम्मा को बताओ। इन्हें क्या बोलूं मैं, ये थोड़ा मानेंगी। आरुष, बड़ी बात सुनो। एक बात बताओ, तुम्हें वैसे भी स्कूल आज से थोड़ी जाना है। एक काम करते हैं, आज कबीर भैया और काव्या भाभी को जाने देते हैं। तुम, सोनाली बुआ और मैं क्रिकेट खेलते हैं। खेलें? गुड आइडिया। चलो। या मैं तैयार हो के आता हूँ। ओके। तो बात ही नहीं हो पाई। इसके हाथ में पक्का वही फाइल है जिसमें मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। कहीं बुड्ढे को पता तो नहीं चल गया मेरे बारे में। बातें चल रही है इनके बीच, कैसे पता चलेगा? कहीं इसके हाथ कोई सबूत तो नहीं लग गया मेरे खिलाफ? अगर ऐसा हुआ तो जाने ये क्या करेगा मेरे साथ। आरुष, क्या हुआ? पता है, जब कला बीमार थी तो कोई मुझे आपसे नहीं मिलने दे रहा था। सुबह भी नहीं मिल पाया मैं आपसे। गिली गिली छू। अब देखना, मैंने जादू कर दिया है। अब दर्द कैसे डर कर भाग जाएगा। दर्द गायब हो गया। छू, आपको पता है एक बात, बीर और मम्मा मेरा स्कूल का एडमिशन करवाने गए हैं। मुझे तो स्कूल बोरिंग लगता है। प्लीज आप मम्मा को बोल दोगे मुझे स्कूल ना भेजे?
ठीक है, बोल दूंगी। अब जाओ खेलो। काव्या मुझसे पहले पहुंच गई मनोहर के कमरे में और सब गड़बड़ कर दिया। पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन है उस फाइल में। सबसे पहले तो आपसे मैं पिछली बार के लिए माफी मांगना चाहूंगा मैम। पिछली बार मैं ऐसे ही उठ के चला गया था। I'm sorry about that day. कोई बात नहीं काव्या जी, इस फॉर्म में अरुष के पिता के नाम की जगह खाली है। हाँ, जानती हूँ। पिछली बार आपने नाम लिखा था, मुझे याद है। जी मैम, उस दिन इस फॉर्म पे उसका नाम लिखा था और इसी सिलसिले में आपसे बात भी करना चाहता था मैं। मैम क्या जरूरी है कि एक बच्चे को उसके बाप के नाम से जाना जाए? आखिर पैदा तो एक माँ करती है ना। मैं मानती हूँ आपकी बात मिस्टर कबीर, कबीर मित्तल। मिस्टर कबीर, माँ के नाम का इस्तेमाल तब किया जाता है जब पिता के नाम के साथ कोई वजह जुड़ी हुई हो। मिस्टर व्योम मल्होत्रा, आरुष के पिता, पढ़ा है मैंने अखबार में। पिछली बार काव्या जी उन्हें देशभक्त बता रही थी, लेकिन वो तो देश से गद्दारी कर रहे थे। जी मैम, जो गद्दारी कर रहे थे उनका नाम ना व्योम मल्होत्रा था, और हम जिस शख्स की एडमिशन की बात कर रहे हैं ना, जो बच्चा है उसका नाम है आरुष, और आरुष ने अपने देश के साथ कोई गद्दारी नहीं किया था। मैं रूड जरूर साउंड कर रहा, लग रहा कि मैं गुस्से में हूँ, लेकिन आपसे एक छोटा सा सवाल है मैम। एक बाप की किए की सजा बच्चे को क्यों मिलनी चाहिए मैम? क्यों? मैम वो ये मिस्टर कबीर, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप मेरी दिक्कत नहीं समझ रहे। मैं हर बच्चे के पेरेंट्स को बिठाकर कैसे समझाऊंगी कि हमने गद्दार के बेटे को स्कूल में दाखिला क्यों दिया है? वाओ, क्या बात है मैम, क्या बात है। आप तो कह रही थी कि आपके स्कूल में शिक्षा दी जाती है, लेकिन फिलहाल तो शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत आपको लग रही है। चुनौती गलत है ना? ये मत सोचिएगा कि मैं चुप बैठने वालों में से हूं। इस बात को मैं ऊपर तक लेके जाऊंगा कि कैसे आप एक बच्चे से उसके पढ़ने का अधिकार छीन लिया मैम। मिस्टर कबीर, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन आरुष को इस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। कबीर प्लीज चलो यहां से। काव्या, तुम रो क्यों रही हो? इसमें तुम्हारी या आरुष की तो ना कोई गलती है। शर्म तो उस प्रिंसिपल को आनी चाहिए। क्या खाक पढ़ाएंगे ऐसे बच्चों को स्कूल में? वो काव्या, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे स्कूल में पढ़कर किसी बच्चे का कुछ हो सकता है? क्या कोई बच्चा अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सकता है? अरे नहीं पढ़ाना यार ऐसे स्कूल में आरुष को, हम कहीं और ट्राई करेंगे। तो बस प्लीज रो मत कबीर। हाँ। प्लीज घर चलो। काव्या, क्या हो सकता है उस फाइल में? कहीं सबको हमारा राज तो नहीं पता चल गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। शानी तू चुप होगी प्लीज? वैसे ही मुझे इतनी टेंशन हो रही है, अगर पीके मित्तल को हमारा सच पता चल गया होता तो वो चुप नहीं रहता। इतना बड़ा मुंह जो है उसका, अब तक तो उसने बवाल खड़ा कर दिया होता। दी, दी वही है, अब करेगा बवाल। शानी, चुप। एक मिनट। Thank you.
मम्मी आप? हाँ अब मैं तेरे कमरे में गई थी पर तू वहां थी ही नहीं। ले दवाई खा ले। भले तू मुझे खिलाती थी ना, अब मेरी बारी। मम्मी मैं बाद में ले लूंगी, आप क्यों तकलीफ ले रही है? अरे मैं तुझसे इतने सवाल करती थी क्या? हाँ चल चुपचाप खा ले। और अब अच्छे से आराम कर। हाँ एक बात बोलूं, आज पहली बार ऐसा लग रहा है ये पागल बुढ़िया ठीक हो रही है और आप बीमार। देख रही हैं आप उसका व्यक्त? सारा प्लान उसने बिगाड़ दिया है। ये सब उसकी वजह से हो रहा है। पूरा प्लान दांव पे लगा दिया है उसने। एक तो उसे कोई फाइल मिल गई है जो उसने गधी के जैसे राघव को दे दिया है और दूसरी तरफ वो बुढ़िया जो दिन ब दिन ठीक हो जा रही है काव्या की बदौलत, क्योंकि काव्या उसे दवाई दे रही है। मैं बोल रही हूँ दी, काव्या हमारे और हमारे प्लान के बीच में बहुत बड़ा पत्थर है। दी उसे जल्द नहीं हटाया ना तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सब आपको बीमार कर दे जैसे आपने उस बुढ़िया को किया था। मम्मी अब दूसरी बहू मिल गई, अब जानवी को भूल गई। नहीं तो बेटा मजाक कर रही हूँ। चलिए आज मेरे हाथ से दवाई ले लीजिए बिल्कुल पहले की तरह। नहीं बेटा वो मैं दवाई तो खुद ही लेती हूँ अपने हाथों से, बस काव्या भी मुझे दवाई निकाल कर ही दे देती है। तू परेशान मत हो, मैं कुछ खा के ही दवाई ले लूंगी। हाँ पक्का? हाँ पक्का। अब तू जा आराम कर। हाँ ओके ये लीजिए। ये सब क्या है? सॉरी वो चाची वो सॉरी जानवी बेटा, जब मैं दवाई नहीं खाती हूँ ना तो मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगता है। अब वैसे भी मुझे काव्या ने कहा था कि जो मेरे मन को अच्छा लगे जिसमें मुझे खुशी मिले वही करूँ। सॉरी। हाँ तो ठीक ही तो है मम्मी, मुझे खुशी है कि आप दवाई ना लेने से ठीक महसूस करती हैं, आपके मन को अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा काव्या ने। थैंक यू। काव्या कितनी अच्छी है ना मम्मी, वो कैसे हमारे घर को बदल रही है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।